सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं रूल भाई का स्केच। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आउटलाइन बना ली है। सो लेट्स स्टार्ट द स्केच विद द हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेयर बनाएंगे, तो हेयर की शेडिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सो यहाँ पे हाफ हेयर कम्प्लीट हो चुका है, हाफ बाकी है। तो पहले मैंने 2B और 4B से किया था, और उसके ऊपर 6B, 8B और थोड़ा थोड़ा 10B से डार्कनेस किया है और हाईलाइट किया है इरेजर से। यहाँ पे दोनों आईज कंप्लीट हो चुकी है, अभी मैं उस पर शेडिंग कर रहा हूँ। और उसके बाद हम टीथ ले लेंगे स्माइल वाली, और फिर स्केच कंप्लीट करते हैं। सॉरी, शॉर्ट टाइम होने की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। यहाँ पे स्केच ख़त्म हो चुका है, तो अभी जाके फटाफट करवानी है फ्रेमिंग। और क्योंकि सनी भाई ने ऑलरेडी गिफ्ट दे दिया है, तो चलते फिर। तो अभी हम ये फ्रेम बनवा जा चुके हैं, तो अभी ये फ्रेम हो चुकी है। स्केच को फ्रेम करवाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी ये तो कंप्लीट है, उसके बाद हम दूसरा बनाते हैं स्केच। अभी A few moments later. So, प्रैंक वाला स्केच बन चुका है। तो अभी रात के बजे है 12 और ऑलमोस्ट स्केच कंप्लीट है और डिटेलिंग फुल की है। और जो स्केच है वो अपना जो मेन स्केच है उसके ऊपर लगाना है, और उसके नीचे अपना जो मेन वाला स्केच है वो रहेगा। और ये स्केच मैंने अभी जेरॉक्स करवा ली है, आउटलाइन वाली, उसके ऊपर मैंने पेंसिल से शेडिंग की है क्योंकि टाइम नहीं था। क्योंकि एक स्केच बनाने मेरे को 4 से 5 घंटे लगते हैं, इसलिए मैंने ये किया है। तो अभी देखते हैं कल कि कैसा रिस्पॉन्स आता है रूल भाई का, रूल भाई को पसंद आता है या नहीं आता। तो वीडियो में बने रहे, कल जाना है हमारे को शूटिंग पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द पैकिंग। ये है हमारा मेन स्केच, इसके ऊपर हमने जो वो दूसरा स्केच बनाया है प्रैंक वाला, वो यहाँ पे सेट करने का है। थोड़ा ऊपर से और नीचे से कटिंग करके हमें लगाना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। स्केच को हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेट कर दिया है, हमने चारों ओर से सेरो टेप लगा दी है ताकि रूल भाई को पता ना चले कि इसके पीछे कोई और भी स्केच है। उनको यही लगना चाहिए कि यही मेन स्केच है और मैंने उनको यही स्केच बना के दिया है। तो अभी मैं इसके ऊपर रैप करने के लिए यहाँ पे गिफ्ट पैकिंग लाया हूँ, तो इसे गिफ्ट पैकिंग करते हैं और कल देना है रूल भाई को स्केच। तो कल जाने वाले हैं हम केक के शूट में, तो कल मिलते हैं। The next day. तो आज है 21 तारीख रविवार, सुबह के बजे हैं 8 और मैं यहाँ पे आया हूँ KF के वीडियो के शूटिंग में। तो मुझे बुलाया था कि आज आ जाना। तो सामने है उर्वल भाई के ऑफिस और मैं खड़ा हूँ नीचे, और ये जो है वो हमारे सारे शूट के दोस्त है। तो उर्वल भाई के राह देख A few moments later. और हम जा रहे हैं लोकेशन पे, तो वहाँ पे चलते हैं और शूटिंग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कब हम स्केच देंगे। तो ये रहा हमारा सेटअप, तो अभी सामने खड़े हैं। तो हमारा यहाँ पे शूट जो था वो मेरा रोल वो खत्म हो चुका है। सामने अभी शूटिंग हो रहा है, थोड़ी ही देर में हम रूल भाई को स्केच देंगे। कपल बोले हमें कहाँ देखा उर्वी की गर्लफ्रेंड कहाँ देखी? रास्ते में, रास्ते में देखी होगी। ओ
ઇમેજિનરી થી નહીં, એને ફોટો પાડ્યો પછી ફોટો બનાવ્યો. ચલે એક કામ કર, 200 રૂપિયા દે ઓર 50 રૂપિયા કાટ ઓવર એક્ટિંગ કે વજહ. एक्चुअली मैं उसके थंबनेल में ऐसा फोटो उसने डाला था, तो उसका दोनों स्केच बना दिया है प्रैंक करने के लिए. अभी इसको फाड़ना पड़ेगा, मेन स्केच इसके पीछे है. ऐसा भाई इसका ही सब आइडिया है, हमने कुछ नहीं करवाया है. गलत बात है भाई, गलत बात. क्रेजी क्रेजी. सबके बर्थडे पे स्केच दिया है ध्रुव ने, पर उसको फाड़ना नहीं था यार, उसकी गर्लफ्रेंड को फाड़ दिया. नहीं नहीं, अभी सिंगल अच्छा है. सिंगल अच्छा है, सिंगल में मजा आता है ना भाई. थैंक यू सो मच. उसको दे को. चलो गाइस. वाव भाई, ज्वाइंट क्यों कर रहा है? याद आया कुछ तो लोचा है इसमें. ये रियल तो नहीं है ना? लड़की तो कोई रियल ही लग रही है. रियल नहीं है, ये फाड़ने का नहीं जाया था. फाड़ने का नहीं था क्यों? क्योंकि इसको दर्द होता है ना, तो मुझे पसंद नहीं है.